हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूं नीलम। तो आज फिर से मैं बताने वाली हूं आपको हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल, जो कि हेयर ऑयलिंग करने से अगर आपके हेयर की ग्रोथ है कम तो इससे आपकी प्रॉब्लम होने वाली है खत्म, साथ ही आपके डैंडरफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो जाएगी बिल्कुल खत्म। तो चलिए ये आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोग फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को टन 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 करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर उसे आप क्लिक नहीं करेंगे, हिट नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिल पाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना है, जितना हो सके फ्रेंड के साथ शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है सॉरी कि आपको मेरे वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हेयर फॉल और हमारा जो हेयर ग्रोथ है उसके लिए, और साथ ही डैंडरफ जिससे कि सभी को लगभग प्रॉब्लम होती है इन तीनों चीज़ों से, तो इन तीनों चीज़ों से छुटकारा, जो हमारे तीन प्रॉब्लम है उसका वन सोल्यूशन हम कैसे करेंगे ये आज के हेयर ऑयलिंग में मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए बिना स्किप किए कंटिन्यू मेरे पूरे वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसमें वो है कोकोनट हेयर ऑयल, क्योंकि कोकोनट हेयर ऑयल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह एक नेचुरल हेयर ऑयल है जो बालों को मुलायम और सॉफ्ट बनाता है, साथ ही ये बालों का रूखापन दूर करता है और जो हमारे हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। उसके बाद सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स इसमें मैंने लिया है यहाँ पे जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, यहाँ पे मैंने फिगारो का ऑलिव ऑयल लिया है। इसकी क्वांटिटी मैं 2 स्पून रखूँगी, क्योंकि अगर आपके हेयर की लेंथ ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑयल लेना है। अगर हेयर की लेंथ आपका ज़्यादा है तो आप 4 स्पून ले सकती हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कपूर पाउडर, यहाँ पर मैंने कपूर का पाउडर बना लिया है, इसे घर पर ही मैंने बनाया है। तो यहाँ पर 2 टीस्पून यहाँ पे कपूर का पाउडर हम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो कपूर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके बाद लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ए के कैप्सूल, ये देखिए विटामिन ए के 2 कैप्सूल हम यूज़ करेंगे इसमें। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपको पता है कि विटामिन ई हमारे हेयर के ग्रोथ में बहुत ही कारगर है और इसमें मैंने 2 लिया है। तो आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके हेयर का लेंथ ज़्यादा है तो आप इसमें 2 और ऐड कर सकती हैं। इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह, जो कि इसमें कपूर के लम्स है उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हेयर में लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन्हें 1 मिनट तक इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। ऑयल को अपने बाल में अप्लाई करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह कॉम कर ले और जितने भी लम्स है उसको रिमूव कर ले, क्योंकि इस तरह हम जब तेल अप्लाई करेंगे अपने बालों में तो हमारे हाथों में कोई बाल उलझेंगे नहीं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह अपने हेयर का पार्ट करके और पूरे रूट से लेंथ तक अपने बालों में अच्छी तरह अप्लाई करें, क्योंकि इसमें कपूर है, कपूर हमारे बालों को हेल्दी और डैंड्रफ रिमूव करने में बहुत ही कारगर है। और इसे इस तरह रूट से लेंथ तक अच्छी तरह अपने बालों में अप्लाई करें। तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे हेयर में अच्छी तरह ऑयल है जो अप्लाई हो जाना चाहिए। एक तेल ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें अपने रूट से लेंथ तक पूरे बालों में अच्छी तरह अप्लाई करना चाहिए और इसे अच्छी तरह अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि तेल हमारे बालों को सुंदर, घना, लंबा, काला बनाने में बहुत ही कारगर है। आप कितने भी जो टिप्स होते हैं अपने बालों में लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक अपने बालों में आप ऑयलिंग नहीं करेंगे आपका हेयर बहुत ही रूखा, बेजान और खूबसूरत और ग्रोथ आपके बालों में नहीं होगा। इसलिए ऑयलिंग आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइम टू टाइम अपने अपने बालों में जो तेल है उसे लगाते रहिए, अच्छी तरह मसाज करते रहिए। तो ये देखिए मैंने अपने पूरे बालों में अच्छी तरह ऑयल अप्लाई कर लिया है। अब जो थोड़े बहुत ऑयल बचे हैं इनको मैं अपने बालों में इस तरह अप्लाई कर लूँगी ताकि कहीं भी कोई भी सा हमारे सिर का जो है बाल का वो रह न जाए। अब इसे हम इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से अच्छी तरह मसाज कर लेंगे, इसको प्रेस करते हुए भी कभी कभी मसाज करेंगे जिससे कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह हमारे बालों में अब्सॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए इसमें मैंने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई 8 विटामिनों का समूह है जिसमें वसा में घुलनशील है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये हमारे बालों के ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल है, हमारे बालों को घना करने में, काला, लंबा और स्वस्थ बनाने में बहुत ही कारगर है। इसमें कोकोनट ऑयल है जिससे कि हमारे बालों के ग्रोथ में हेल्प मिलती है, बालों को सॉफ्ट और मुलायम बनाने में भी बहुत हेल्प मिलती है, साथ ही ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए तो बेस्ट है ही। डैंड्रफ फ्री करता है हमारे बालों को,
इसमें ऑलिव ऑयल मैंने लिया है, वो भी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही हमारे बालों को सुंदर सॉफ्ट बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। और इसमें कपूर है, कपूर हमारे बालों को हेल्दी बनाने के साथ साथ स्वस्थ और सुंदर भी बनाता है, और साथ ही हमारे हेयर से डैंड्रफ जो है इजिली रिमूव करता है। तो इस तरह देखिए मैंने अपने हेयर में अच्छी तरह ऑयलिंग कर ली है। अब इसे हम कॉम करना बिल्कुल नहीं भूलिए, कॉम अच्छी तरह कर लेंगे, उसके बाद अपने बालों में एक बन बना के और अपने हेयर को हम अच्छी तरह सिक्योर कर लेंगे इस तरह। अगर आप हेयर ऑयलिंग नाइट में कर रही हैं तो इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके बालों के लिए। और आपके बाल बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपके बालों पर ये ज़्यादा असर करे तो इस जो मेरा प्रोसेस है, जो मेरे ये टिप्स है, उसको आप नाइट के टाइम में ही अप्लाई करें तो ये ज़्यादा बेटर है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो आपकी बिल्कुल सॉल्व होगी, क्योंकि आपने देखा कि अभी मैंने कॉम गई से, जिससे कि मेरे कॉम में एक भी हेयर नहीं है, क्योंकि मेरे हेयर फॉल तो बिल्कुल नहीं होते हैं। और साथ ही जो मेरा हेयर ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक ही है, बहुत फास्ट तो नहीं है बट ठीक ठाक हेयर ग्रोथ होता है। और डैंड्रफ मेरे हेयर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने आज आपको हेयर के लिए ये ऑयल बताया, इस तरह से अगर आप ऑयल बना के अपने वीक में एक बार अपने बालों में अप्लाई करती हैं, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप दो बार वीक में आप इसको यूज़ करें तो आपकी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी बिल्कुल ही दूर। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, इसी तरह नए यूनिक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।